नमस्कार दोस्तों, किस्से कलाकारों के YouTube चैनल पे आप सभी व्यूअर्स का तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर शायद आप हैरत में पड़ गए होंगे कि भला किशोर दा ने गाली क्यों और किसको दी होगी, मगर ये बात सच है कि किशोर कुमार ने अपने मुंह से गाली दी थी और वो भी ऑन कैमरा। आखिर क्या था वो रोचक किस्सा, वो आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। तो वीडियो बिल्कुल छोटी सी होगी पर इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक और रियल होगी, इसलिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आप सिनेमा, संगीत और कला जगत की दिलचस्प जानकारियां पाना चाहते हैं तो किस्से कलाकारों के चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो थैंक्स बटन से अपनी इच्छा अनुसार सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, बात उस वक्त की है जब किशोर दा नए नए बंबई में आकर फिल्मों में गाना गाने के लिए कोशिश कर रहे थे। तब एक दिन उनके बड़े भाई दादा मुनी यानी अशोक कुमार जी ने उनसे कहा, गाना तो तू अब गा चुका है, अब तू एक्टिंग कर। वो गाना उनका पहला सोलो हिट गाना था, मरने की दुआएं क्यों मांगू। फिल्म थी जिद्दी और हीरो थे देवानंद। उसी फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन था जिसमें देवानंद गाना गा रहे थे और उस सीन में किशोर दा को बागीचे के माली की छोटी सी भूमिका करनी थी। उस दृश्य में जब देवानंद करीब आए तब उनको माली बनके सिर्फ एक फेशियल एक्सप्रेशन देना था, और क्योंकि ये सजेशन उनके बड़े भाई अशोक कुमार का था तो उनकी बात को वो टाल नहीं पाए। पर बात ये थी कि किशोर दा वो सीन नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने थोड़ा गुस्से में आके एक आइडिया सोचा, और जैसे ही कैमरा उनकी तरफ आया तो वो अपने मुंह से लिटरली गाली बोले। देवानंद और अशोक कुमार को पता चल गया कि ये तो किशोर ने गाली दे दी। ऐसी नटखट हरकतें करके वो भागने लगे। फिर बाद में अशोक कुमार ने उनको पकड़ा और आगे का शूटिंग खत्म किया। सुनिए खुद अशोक कुमार ने क्या कहा था इस वाक्य के बारे में। गाने के बाद मैंने कहा, अब तू काम पर गा तो लिया, अब जरा एक्टिंग कर दे। पहले जब एक्टिंग के लिए आया तो उसको मैंने कहा एक शॉट लेता हूँ, जरा जिद्दी में एक शॉट लेता हूँ। वो देवानंद आ रहा है, देवानंद हाँ आ रहा है, और ये बोल रहे हैं क्या गाना चल रहा है। मैंने कहा सिर्फ मुँह हिला देना, क्या ये साहब एक लड़की के पीछे, नौकरानी के पीछे ये करता है, ऐसा एक्सप्रेशन दे देना। तो उसने एक्चुअली साइलेंटली गाली दे दी, यानी मुंह से मालूम हुआ गाली दी उसने। मैंने कहा क्या बोल रहा तू, बोले मैंने आवाज़ थोड़ी नहीं गाली, गाली दे दी सिर्फ, मैंने गाली ऐसे देने से कुछ नहीं हुआ। फिर से लोग बोले अब नहीं करते, अरे गलत हो गया, भाग गया, आवाज भाग गया, उसको पकड़ के लाए। ये उसका पहला था एक्टिंग का, उसने एक्चुअली गाली दी। मैं बोलूंगा नहीं क्या गाली दी, क्योंकि आप लोग समझ जाएंगे क्या गाली दी, वो मैं बोलना नहीं चाहता। एक्टिंग जो है वो बाद में था, जो मैं करना नहीं चाहता था। मेरे बड़े भाई साहब अशोक कुमार जी ने बोले कि भाई तू कर ले। मैंने कहा भाई मुझे देखो दादा मुनी, मुझे एक्टिंग मत करो, एक्टिंग झूठी होती है, एक्टिंग झूठी होती है। संगीत जो है दिल से निकलता है, और दिल से जो चीज निकले वो दूसरों के दिलों तक पहुंचती है। सही बात, तो मैं संगीत को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो ऐसे थे मनमौजी और अतरंगी हमारे किशोर दा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और किस्से कलाकारों के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।